आपको कमर से लेके पैरों तक एक साइड दर्द रहता है, खिंचाव रहता है? क्या आपको कमर से लेके पैरों तक कहीं भी जलन, चुभन या झंझनाहट महसूस होती है? क्या आपको अपने एक पैर में कमजोरी महसूस होती है और साथ ही एक साइड कमर से लेके पैरों तक कहीं भी सुन्नपन महसूस होता हो? तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल मिस न करें। मैं हूं डॉक्टर अरुणा, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं 3 पोजीशंस जो आपके शियाटिक नर्व पेन को रिलीव करेगी। शियाटिक सिंड्रोम जिनको है उनको इन 3 पोजीशंस से काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आजकल सभी की लाइफ बहुत दौड़ धूप वाली हो गई है और इसी के साथ चाहे वो महिला हो पुरुष हो, सभी को कभी ना कभी लाइफ में कमर में दर्द रहता है क्योंकि दिन भर बहुत ज़्यादा सबके बिजी शेड्यूल रहता है। दिन भर बिजी शेड्यूल रहने के कारण और रेस्ट ना मिलने के कारण भी ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं जो 3 पोजीशंस बताने वाली हूँ वो आपके कमर से लेके पैरों तक अगर आपको कहीं भी दर्द हो, बैक ऑफ थाई, काफ मसल्स एंड फुट तक अगर आपको पेन हो तब आपको काफ़ी रिलीफ रहेगा। एंड इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें क्योंकि अगर एक पार्ट भी आप छोड़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शियाटिक नर्व के बारे में। शियाटिक नर्व बनती है L4, L5, S1, S2, S3 नर्व रूट मिलके एक मोटी सी नर्व बनती है जिसे शियाटिक नर्व कहते हैं, जो हमारे कमर से लेके पैरों तक नर्व सप्लाई करती है और जिसके कंप्रेशन आने पे कमर से लेके पैरों तक कहीं भी दर्द रह सकता है। मेन कॉजेस स्पाइनल डिस्क हर्निएशन, डिस्क के हल्का सा बाहर आने पे भी नर्व रूट कंप्रेशन आ सकता है जिससे शियाटिका भी हो सकता है। देन नेक्स्ट है स्पाइनल स्टेनोसिस, स्पाइनल स्टेनोसिस में भी स्पेस की कमी की वजह से नर्व कंप्रेशन होती है। स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस होने पे कमर की हड्डियों में अर्थराइटिस हो सकती है जो जाके नर्व में कंप्रेशन ला सकता है। पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम में भी मसल इन्फ्लेमेशन की वजह से नर्व कंप्रेशन हो सकती है। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ शियाटिका सिंड्रोम, यानी कि अगर आपको शियाटिका सिंड्रोम हो जाए तो किस तरह के लक्षण आपको दिख सकते हैं। सबसे पहला है आपको पेन के फॉर्म में दिखेगा, कमर में आपको पेन रह सकता है, कमर से लेके पैर तक यानी कि पैरों की उंगलियों तक आपको कहीं भी दर्द महसूस हो सकता है। ज़रूरी नहीं है आपको होल लेंथ में पेन हो, कभी कभी कमर में दर्द ना रह के आपके बैक ऑफ थाई में भी पेन रह सकता है और फुट में भी पेन रह सकता है, तो स्पेसिफिक पॉइंट पेन भी आपको रह सकता है। देन नेक्स्ट है आपको कहीं भी झंझनाहट महसूस होगी, किसी भी पार्ट ऑफ लेग जिस साइड आपकी अफेक्टेड लेग है झंझनाहट महसूस हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन जलन महसूस हो सकती है, आपको सुनपन महसूस हो सकता है, नंबनेस जिस साइड अफेक्टेड है उस साइड आपको उस पैर में कमजोरी महसूस हो सकती है, बहुत देर तक अगर आप खड़े रहे देन आपको खिंचाव भी महसूस हो सकता है उस साइड। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स आपको रह सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आपको सारे हो, आपको एक या दो सिम्टम भी आ सकते हैं या हो सकता है आपको सारे सिम्टम भी आ रहे हो। अलग अलग पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं। अब शुरू करते हैं 3 बेस्ट पोजीशंस जो आप इनिशियली शियाटिका पेन सिंड्रोम में कर सकते हैं। देन धीरे धीरे आप जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को फॉलो करके आपके पेन में रिलीफ हो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शियाटिका के लेग पेन रिलीफ के लिए पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है किस तरह से शियाटिका पेन स्ट्रेचेस कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरे पहले शेयर किए गए वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जज करना है क्या आप उल्टा लेट सकते हैं। 3 मिनट तक आप उल्टा लेट के देखेंगे, अगर आपको कोई पेन नहीं आता देन 3 मिनट उल्टा लेट के आप इस तरह से रेस्ट ले सकते हैं शियाटिक नर्व डिकम्प्रेशन के लिए, पेन रिलीफ के लिए। अगर आपको उल्टा लेटने में दिक्कत होती है और आपका पेन आपको फील होता है जैसे एग्रेवेट हो रहा है, बढ़ रहा है, देन आप सबसे पहले 2 पिल्लो रख लेंगे अपने हिप्स के नीचे। इस तरह से आपको 3 to 5 मिनट्स रेस्ट करके देखना है। अगर आपको दर्द रिलीफ होता हुआ नज़र आए देन इस तरह से 15 से 20 मिनट तक लेटे हुए रहना है। इसका मतलब है आपके नर्व डिकम्प्रेशन हो रही है इस पोजीशन से और आपको उससे काफ़ी आराम मिल रहा है। अगर ये पोजीशन आपको इजी लगने लगता है और आपको पेन काफ़ी रिलीफ हो जाता है देन आप एक पिलो हटा सकते हैं। इस तरह से फिर से आपको 15 to 20 मिनट्स तक रेस्ट करते हुए आपको जज करना है। फिर अगर ये पोजीशन आपके इजी हो जाती है देन स्लोली
आपको सिंपल प्रोन पोजीशन में रेस्ट करना है, और इस पोजीशन में जब आपको इजी लगने लग जाए, आपको फील हो काफ़ी पेन रिलीफ है, देन यू कैन गो फॉर स्लाइट एक्सटेंशन। फिर आपको हल्का सा एक्सटेंशन में आना है और इस तरह से एल्बो सपोर्ट में आपको रखना है। इस दौरान आपकी जो लंबर रीजन है वो सी शेप में हो जाती है, जिससे कि आपकी जो शाटिक नर्व है वो डिकम्प्रेशन होने में काफ़ी फ़ायदा रहता है इस पोजीशन में। इस पोजीशन में भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 minutes आप होल्ड करना है, देन अगेन रेस्ट कर लेंगे। और ध्यान रहे, ये सारे एक्सरसाइज करते हुए आप बिल्कुल स्लो मूवमेंट करेंगे, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको इस पोजीशन में पेन फील हो ज़्यादा बढ़ता हुआ, देन आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर आपको ओनली इसी पोजीशन में हल्का सा आप पोजीशन में होल्ड करना है। ये जो पोजिशनिंग एक्सरसाइजेज है, इसमें आपकी नर्व डीकम्प्रेस होती है, उससे पेन रिलीफ होता है। आपके जो पेन है वो नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट होना चाहिए, नीचे से रिलीफ होता हुआ आपको फील होना चाहिए। इस तरह से भी आप होल्ड करते हुए 3 minutes, देन अगेन 3 minutes रेस्ट करेंगे, एंड फिर धीरे 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 से ऊपर फिर 3 minutes होल्ड करेंगे। इस तरह से एक बार में 5 बार करेंगे, देन रेस्ट कर लेंगे। 3 minutes होल्ड, 3 minutes रेस्ट, इस तरह से 5 बार करेंगे। नेक्स्ट शाटिक नर्व डीकम्प्रेशन टेक्निक है। इस तरह से 2 पिल्लो लगा लेंगे। 2 पिल्लो भी आपके पिल्लो के हाइट पे डिपेंड करता है। अगर मोटा हो देन यू कैन टेक 1, अगर आपके पास कम हाइट की पिल्लो हो देन यू कैन टेक 2। सो इस तरह से आप अपने बैक को इस तरह से लगा के आगे की ओर झुक जाएंगे, एंड बिल्कुल हिप से नीचे आपके बेड डाउन रहेगा। और वो भी डिपेंड करता है, आपके पास अगर कम हाइट का बेड है देन आपके नीज़ ज़्यादा बेंड करेंगे, अगर आपके पास ऊंचे हाइट का बेड है देन आपके नीज़ कम बेंड होंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देन इस तरह से आप अपर बॉडी को हिप से ऊपर, बैक से ऊपर इस तरह से सपोर्ट कर देंगे स्ट्रेट पोजीशन में, देन आपके नीज़ जो है घुटने बेंड रहेंगे टोज़ पे इस तरह से, और हल्का हल्का आप प्रेशर लेग से रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। फुट सपोर्ट नहीं करेंगे फुल, जैसे आपके पैर को नीचे सपोर्ट नहीं करेंगे, ओनली टोज़ पे रहेंगे, एंड धीरे धीरे आपको ये फील रहना चाहिए कि आपकी जो लोअर लिम्ब है वो लटक रही है नीचे, एंड आपके अपर बॉडी बिल्कुल प्रॉपरली बेड पे सपोर्ट रहना चाहिए। देन धीरे धीरे एल्बो स्ट्रेट करेंगे, जितना आगे कर पाए उतना आगे की ओर हाथ स्ट्रेच करेंगे, एंड जितना हो सके कमर ढीला छोड़ते हुए जितना नीचे की ओर डाल सकें, कमर बिल्कुल लूज छोड़ें तो आपको बिल्कुल स्ट्रेच फील होगा, एंड लेग भी जितना लूज करके रख सके उतना ही अच्छा है, बिल्कुल भी होल्ड नहीं होना चाहिए, कमर और पैर बिल्कुल नीचे लटका हुआ सा फील होना चाहिए। इस तरह से 3 मिनट्स तक होल्ड करके रखेंगे पोजीशन, और ये पोजीशन आपको अगर काफ़ी आसान लगे एंड आपको काफ़ी रिलैक्स फील हो, लेग में जो रेडिएटिंग पेन है उसमें भी काफ़ी आराम आए, देन आपको जिस साइड पेन है, जिस लेग में पेन है, इसी पोजीशन में आप पीछे की तरफ इस तरह से टोज स्लाइड करते हुए स्ट्रेच कर सकते हैं धीरे धीरे। आप और ध्यान रहे, लोअर बॉडी आप बिल्कुल लूज छोड़े नीचे की तरफ, इस तरह से 5 to 10 रिपीटेशंस कर सकते हैं, और आपको पोजीशन होल्डिंग 3 मिनट्स होल्ड 5 राउंड्स करना है एट ए टाइम, 3 बार कर सकते हैं ये सारे एक्सरसाइजेस, दिन में 3 बार कर सकते हैं।
इस तरह से एक टेबल ले सकते हैं इन फ्रंट एंड आपको स्टैंडिंग पोजीशन में करना है ये एंड आपको दोनों हाथ इस तरह से टेबल में रख देना है, एल्बो स्ट्रेट करते हुए, एल्बो टाइट टक कर लेना है स्ट्रेट, देन आपको अपने हाथों के जोर पे अपना अपर बॉडी सपोर्ट करना है ऑन द टेबल एंड लोअर बॉडी को ढीला छोड़ते हुए अपने टोज पे लाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से आप 10 to 20 सेकेंड्स ऑफ होल्ड रख सकते हैं एंड अराउंड 5 टाइम्स करेंगे। अगेन हाथ पे जोर, एल्बो स्ट्रेट, अपर बॉडी हाथ पे सपोर्ट टेबल टॉप पे एंड लोअर बॉडी नीचे ढीला छोड़ देना है एंड टोज पे आ जाना है आपको लेग्स एंड हल्का सा नी बेंड रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस होल्ड को रखते हुए आपको फील होगा एक ट्रैक्शन आपके लंबा बोन के बीच में, ट्रैक्शन फील होगा, एक पुल फील होगा, ग्रेविटेशनल पुल, क्योंकि आप अपर बॉडी टेबल पे सपोर्ट करके रखा हुआ है आपने एंड इसीलिए जब आप लोअर बॉडी को ढीला छोड़ते हैं देन एक ग्रेविटेशनल पुल आता है आपके होल स्पाइन में, जिससे कि आपके शाटिक नर्व डीकम्प्रेशन प्रेशर आता है जिससे आपके जो शाटिका पेन है वो काफ़ी हद तक रिलीफ होगी। कुछ प्रिकॉशंस शेयर करना चाहती हूँ मैं आपके साथ। इन सारे एक्सरसाइज के दौरान आपको कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं। अगर किसी भी एक्सरसाइज के दौरान आपको ये फील हो आपका दर्द बढ़ रहा है तो उस आप पोजीशन या एक्सरसाइज को नहीं करेंगे एंड आप बिल्कुल स्टेप वाइज सही से करेंगे एक्सरसाइजेस जिस तरह से इस वीडियो में बताई गई है, क्योंकि गलत तरीके से करने से हो सकता है पेन बढ़े। सो आपको जिस तरह से बोला गया हो उसी तरह से करें एंड रिपीटेशंस भी उसी तरह से करें। ये नहीं है कि आपको रिलीफ मिल रहा है इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा रिपीटेशन ट्राई करें। सो रिपीटेशन भी आपको ध्यान रखते हुए करना है, सारे पॉइंट ध्यान रखते हुए एक्सरसाइजेस करनी है। आई होप कि आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगा आप सभी के लिए एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन आजकल हो चुका है बैक पेन या बैक पेन से रेडिएटिंग लेग पेन, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और उनको भी रिलीफ मिल पाए। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो नीचे रहे सब्सक्राइब बटन में ज़रूर क्लिक करें एंड उसके साइड में रहे बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि वीडियो शेयर करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं ट्राई करती हूँ एवरी वीक हेल्थ रिलेटेड वीडियो शेयर करने के लिए आप सभी के साथ। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक में भी वीडियो शेयर करूँ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं किसी भी कंडीशंस के लिए तो आप दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Take care, be healthy.